हेलो हेलो वेलकम दोस्तों, मैं किरण आप सबका दोस्त और हो दोस्तों, आप देख रहे हैं क्विक टेक। दोस्तों एमआई के बहुत सारे फोन वगैरह तो आप परचेज करते हो, खरीदते हो, उसमें बहुत अच्छे तरह फीचर्स वगैरह फैसिलिटी मिलते हैं। अब चाइनीज कंपनी है तो आप लोगों को पता है कि उसमें अच्छे तरह फीचर्स वगैरह देखने को मिलते हैं। बट अभी एमआई क्या कर रहा है, अपना मतलब लैपटॉप के सेक्टर में भी ये कदम रखने वाला, टीवी के सेक्टर में तो कदम रख चुका है, उसके बाद मोबाइल के सेक्टर में और एसेसरीज के सेक्टर में भी वो अपना कदम रख चुका है, बट लैपटॉप के सेक्टर में भी ये कदम रखना चाहता है। उसने दो मॉडल तो ऐसे लॉन्च किए थे जो आप लोग बता रहेगा, एमआई एआर और उसके बाद एमआई नोट एआर उसके बाद एमआई नोट प्रो लॉन्च किए थे। बट आज मतलब चाइना में लॉन्च हो गया दोस्तों एमआई नोट प्रो 2, ये वाला लॉन्च हो गया। उसमें अच्छे अच्छे फीचर्स वैसे देखने को मिलते हैं क्योंकि बहुत ही बढ़िया गेमिंग परफॉर्मेंस एमआई में आपको देखने को मिलता है। पहले वाले सीरीज में एआर और प्रो में आपको अच्छे खासे प्रोसेसर और ग्राफिक कार्ड एनवीडिया का अच्छे खासा मिल जाता है, बट इसमें आपको अच्छे खासा प्रोसेसर के साथ और अच्छे प्राइस रेंज के साथ मिलता है। तो आज ये वीडियो में बताने वाला हूँ उसमें क्या फीचर्स और किस प्राइस रेंज के हिसाब से उसमें क्या कॉन्फ़िगरेशन लेके आया एमआई। तो इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों एमआई के फीचर्स की अगर बात कर लूँ, इसमें आपको अच्छे खासे फीचर्स वगैरह देखने को मिल रहा है। लैपटॉप का डिजाइन इस टाइप का आपको देखने को मिल रहा है जैसे ये स्क्रीन पर देख पा रहे हो। और फीचर्स की अगर बात कर लूँ इसमें आपको मतलब 15.6 इंच का आपको फुल एलईडी एंटी ग्रेन आपको मिल जाता है। उसके बाद आपको व्यू एंगल की अगर बात कर लूँ 178 का आपको डिग्री का व्यू एंगल आपको यहाँ से देखने को मिलता है। और प्रोसेसर की अगर बात कर लूँ आपको कोर मतलब i7 का प्रोसेसर यहाँ देखने को मिलता है, 8 जनरेशन का उसमें बताया जा रहा है। और एनवीडिया का GeForce MX110 GPU इसमें लगा गया है, ग्राफिक प्रोसेसर यूनिट जो है। उसके बाद 2GB आपको डेडिकेटेड मेमोरी मिल जाता है और आप इसको 4GB और 8GB मतलब इसको ऑप्शन आपको यहाँ से रैम का ऑप्शन आपको यहाँ मिल जाता है। और इसमें आपको डुअल फैन कूलिंग का देखने को मिलता है जो कि एक बहुत ही बढ़िया बात है, डुअल कूलिंग लेआउट आप यहाँ पर देखने को मिलता है। उसके बाद आपको 2+2 आपको हीट सिंक का पाइप आपको यहाँ से देखने को मिला जो कि आपको लैपटॉप को एक अच्छा मतलब स्पीड और हीट सिंक से थोड़ा बचा के रखेगा जो कि मुझे लगा एक बहुत ही बढ़िया बात है। और इसमें 3W का आपको स्पीकर देखने को मिलता है जो कि मुझे लगा एक बहुत ही बढ़िया बात है क्योंकि अच्छा साउंड आपको देखने मिलेगा। इसमें आपको डॉल्बी एटमोस का भी साउंड आपको सराउंडिंग इसमें आपको सराउंड और डॉल्बी का एक साउंड इफेक्ट इसमें देखने को मिल जाता है दोस्तों। और इसमें कनेक्टिविटी अगर बात कर लो इसमें आपको HDMI पोर्ट और के साथ एक HDMI पोर्ट मिलता है। उसके बाद आपको 2 3.0 का USB पोर्ट मिलता है, उसके बाद 2.0 का एक पोर्ट मिलता है और 3.5mm हेडफोन का यहाँ पर मिल जाता है। उसके बाद इथरनेट जो नॉर्मल पोर्ट जो रहता है वो ऑटोमेटिक उसमें देखने को मिलता है। उसके बाद मेमोरी कार्ड स्लॉट इसमें आपको देखने को मिलता है और ये वो दो कलर वेरिएंट में देखने को मिला, एक है ग्रे और दूसरा है व्हाइट, ये दो कलर में इसमें आपको देखने को मिलता है। अब तो बहुत अच्छे अच्छे फीचर्स वगैरह जैसे आपको पता हो गया कि इस टाइप का फीचर इसमें देखने को मिलता है। एनवीडिया का बहुत ही अच्छा है ग्राफिक यूनिट GPU मतलब ग्राफिक प्रोसेसिंग यूनिट इसमें मतलब लगाया गया और कोर i7 का, ये जो मैंने बताया कोर i7 ये हाई एंड मॉडल है। इसका और एक दो मॉडल इसमें नहीं निकाला गया, मैं बता दूं सब इसके प्राइस और मॉडल के हिसाब से मैं बता देता हूँ। इसमें आपको देखने को मिलता है दोस्तों आपको कोर i5 4GB रैम मतलब ये जो बेस मॉडल है 4GB रैम, उसमें 128GB का SSD और 1TB का हार्ड डिस्क और NVIDIA का GeForce MX110 इसका प्राइस रखा गया दोस्तों 40,800। ये बहुत ही बढ़िया प्राइस रेंज के हिसाब से देखोगे फीचर्स के बाद बाकी लैपटॉप जितने ब्रांड है एक अच्छा एक मतलब प्राइस रेंज के हिसाब से यहाँ पे देखने होता है। दूसरा जो मॉडल है दोस्तों ये मिड रेंज का मॉडल है, इसको आप आराम से परचेज कर सकते हैं। जिसका रखा गया फीचर्स वगैरह दोस्तों इसमें आपको कोर i5 मिलता है 8GB, उसके बाद 128GB का SSD, 1TB का हार्ड डिस्क इसमें मिल जाता है और NVIDIA का खुद वही GPU इसमें इंस्टॉल किया गया है जिसका प्राइस दोस्तों मतलब रखा गया इसमें 45,800 इसमें रखा गया प्राइस जो कि मिड रेंज के हिसाब से देखोगे अच्छा खासा मिलता है। जो मैंने फीचर्स बताया था ये सारे फीचर्स इस तीनों मॉडल में आपको देखने को मिलते हैं। और तीसरा जो आखिरी जो हाई एंड मॉडल है जिसका मैंने जिक्र किया था उसके बारे में, तो उसमें आपको देखने मिलता है कोर i5 नहीं मिलता है, दोनों में आपको कोर i5 मिलता है पहले वाले मॉडल और बेस मॉडल और मिड रेंज वाले मॉडल में, बट हाई एंड मॉडल में आपको कोर i7 के साथ ये आपको 8GB रैम 128GB SSD उसके बाद 1TB का आपको
HDD हार्ड डिस्क देता है और सेम GPU इसमें आपको देखने मिला। इसका प्राइस आपको 51,000 यहाँ से देखने को मिल जाता है। तीनों जो मैंने बताया है ये बहुत ही बढ़िया मॉडल में मुझे जहाँ तक लग रहा है। MI का जो फीचर बता दो बहुत अच्छे खासे हैं इसमें। अब ये इंडिया में कब तक आता है वो अलग बात है, क्योंकि ये चाइनीज जो उनका लॉन्च इवेंट हुआ था उसमें इन्होंने लॉन्च किया। चाइनीज वेबसाइट से आप जाके इसको प्री ऑर्डर वगैरह कर सकते हो अगर ये वाला लैपटॉप आपको परचेज करना है तो। अगर इंतजार करना चाहते हैं तो वेट कर सकते हैं, बट जिन जिनको चाहिए वो चाइनीज वेबसाइट से जाके मंगा सकते हैं। कस्टम ड्यूटी अलग चार्ज बहुत लगा देते हैं, बट प्राइस वैल्यू के हिसाब से देखो और फीचर्स के हिसाब से देखा जाए तो तीनों जो मॉडल है बहुत ही बढ़िया कॉन्फ़िगरेशन के साथ इसमें आपको देखने मिलते हैं। और इसमें जो डुअल फैन का कूलिंग दिया गया है एक अच्छा खासा मतलब मुझे जहाँ तक लग रहा है, और 2+2 का जो पाइप लगाया गया है कूलिंग के लिए हीट सिंक के लिए एक बहुत ही मॉडल आपको देखने को मिलता है। बाकी जितने सारे ब्रांड ले लो HP ASUS या कोई भी ब्रांड ले लो तो उसमें आपको इस टाइप ऑफ कॉन्फ़िगरेशन के साथ इस रेंज के प्राइस रेंज के हिसाब से आपको यहाँ कोई भी लैपटॉप में नहीं देखने को मिलता है। तो अब MI क्या भी कर रहा है मतलब अच्छे खासा लैपटॉप भी लॉन्च कर रहा है कम बजट के अंदर अच्छा खासा आपको यहाँ मिल जाता है, बट इंडियन मार्केट में कब तक ये लॉन्च करते हैं लैपटॉप को लेकर। TV तो लॉन्च कर दिया है, मोबाइल तो ऐसे ही चल रहा है उसका, लैपटॉप कब तक इंडियन मार्केट में आ जाता है वो देखने की बात है। तो आशा करने वाला जो लैपटॉप के बारे में MI नोट प्रो 2 के बारे में जो बताया हूँ लैपटॉप के बारे में, तो आप लोगों को ये वाला वीडियो अच्छा लगा होगा। तो अगर ये वाला वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा तो लाइक कमेंट और शेयर जरूर करना दोस्तों। और मिलते हैं अगले ऐसे इंटरेस्टिंग वाला टाइप टेक रिलेटेड कोई भी वीडियो में दोस्तों, गेम रिलेटेड या रिव्यू अनबॉक्सिंग में दोस्तों। तो फिलहाल दोस्तों गुड बाय, जय हिंद दोस्तों।